हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड दीपिका की दुनिया में वेलकम बैक। देखिए, मैं जहां भी जाऊं मैं आपको कुछ कुकिंग ना दिखाऊं तो मजा नहीं आएगा, है ना। तो आज मैं बना रही हूँ दाल बाटी अपने कुक भैया के साथ मिलके, वो मेरी हेल्प करेंगे, मेरी रेसिपी होगी। एंड क्योंकि जनाब का फेवरेट है, जनाब की फरमाइश है, तो वो आराम से बैठे और चलिए शुरू करते हैं। आइए, यहाँ पे लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली इस बंगलों में। बंगलो बहुत खूबसूरत है लेकिन लाइट का बहुत प्रॉब्लम है, तो थोड़ा बेयर विद द लाइटिंग। चलिए, हाँ बिल्कुल है। क्या बोल रही है? आटा, सूजी, बेसन और नमक। सो सबसे पहले हम बाटियां, मैं जो है इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके दे रही हूँ और भैया मुझे वो भून देंगे। तो ये मैंने 1 किलो आटे का पैकेट लिया है, वीट आटा, क्योंकि मैं बहुत लोगों के लिए बना रही हूँ, 15 लोगों के लिए बाटियाँ बन रही हैं। तो ये पूरा 1 किलो आटा, आई थिंक मुझे ये सेकेंड राउंड भी करना पड़ेगा क्योंकि मुझे चूरमा भी बनाना है और चूरमा अल्टीमेटली बाटियों से ही बनता है। तो फिलहाल मैं इतना कर रही हूँ। इसमें हम डालेंगे, ये है 500 ग्राम्स, तो इसका हाफ पैकेट, मतलब आप अगर जितना भी आप आटा ले रहे हैं उसका 1/4 पोर्शन आपको सूजी लेना है। तो मैं इसका हाफ पैकेट सूजी इसमें डालूंगी। ये देखिए, और ये हाफ जो है वो सेकेंड टाइम के लिए। और इससे भी कम, इससे भी हाफ मुझे डालना है बेसन। तो ये मैं सिर्फ हाथ के अंदाजे से, भैया ये थोड़ा गरम करके लाइए ही, जैसे एक कटोरी में ना पिघला के वो इसमें डालेंगे, फिर भून लेंगे। एंड सॉल्ट स्वाद अनुसार। ये हम गरम करके घी इसमें डाल रहे हैं। एंड में जब अपन वो फिनिशिंग देते हैं ना आटे को, तब इससे। रवि भैया, मैंने भी जो बिरयानी बनाती हूँ ना और मैंने जो रेसिपी डाली है वो सबको बहुत पसंद आई है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इनकी हाथ की बिरयानी भी माइंड ब्लोइंग है, बहुत ही यम। हमें इतनी पसंद आई कि पहले दिन हमने वो खाई थी तो हम आज रात को दोबारा बनवाए। ये लीजिए, अब आपके हवाले। ये मैंने घी पूरा मिक्स कर दिया है, अब इसको कंप्लीट भूनना है, जैसे रोटी का आटा भूनते हैं ना वैसा ही, पूरा डो बना देना है। हाँ, लेकिन दूध से, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। सो ये एक आटा जो है, एक पोर्शन इन्होंने गूंद दिया है, मैंने अभी दोबारा मिक्स करके दिया है, भैया दोबारा गूंज रहे हैं और मैं इनकी तब तक बाटियां बना रही हूँ। तो मैं इतनी छोटी बाटियां बनाती हूँ और यहाँ पे मेरे पास इस बार अवन नहीं है तो हम इसे डीप फ्राई करेंगे, तो डबल फ्राई होगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये देखिए, इस तरह से बाटियां बनती हैं। वो एक्चुअली आपकी पर्सनल चॉइस है, आप बड़ी बनाना चाहते हैं तो आप बड़ी भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग इतनी छोटी छोटी ही बनाते हैं। ओके, सो एक इंस्टेंट डिसीजन बीच में लिया गया है कि मैं पहले बस ठंडी चिल्ड लस्सी बनाती हूँ सब लोगों के लिए, क्योंकि पिछले 2 घंटे से इस विला में लाइट नहीं थी और सबकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। तो सबसे पहले लस्सी बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी थोड़ी सी, एक ही ग्लास लस्सी, वो पापा के लिए होगी शुगर फ्री, तो वो अच्छे से पी पाएंगे। अम्मी को देते हैं कि वो पापा को दे। अम्मी, पापा के लिए शुगर फ्री
का अम्मी बाहर निकल चुका सबसे पहले। लुक की शक्ल देखो, वेरी नाइस। देखो विद मी बीइंग द मिस क्लमजी मैं कब गिरा दूं, मेरा भरोसा नहीं है, प्लीज ले लो। नहीं यूट्यूब मेरा भी कैमरा आ रहा है, वो उसका भी चालू है। सबको दे दी, अब हम जरा दाल बाटी पे लगे, बहुत लंबी ब्रेक हो गई हमारी। सो अब मैं दाल बना रही हूँ, जैसे मैंने आपको दिखाया बाटियां मैंने रोल करके रख ली हैं। अब यहाँ पे मैंने हाफ ऑयल हाफ घी लिया है और इसमें मैं पहले तड़का डालूंगी। वैसे दाल बाटी की जो दाल होती है वो पंचमेल दाल होती है, मतलब पांच अलग अलग तरह की दालों को मिला के वो बनाया जाता है, दैट इज द ऑथेंटिक वे। लेकिन हमारे घर में किसी को भी दाल पसंद नहीं है, तो मैं अरहर की दाल थोड़ा अच्छे से तड़का लगा के बनाती हूँ, तो आज मैं वही बना रही हूँ। सो जिस किसी को भी पंचमेल दाल बनानी है वो भी बना सकते हैं, मैं ये बना रही हूँ। ऑयल अभी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, ये मैं डाल रही हूँ पांच साबुत लाल मिर्च, मुझे वो दो नाइक। जीरा और कड़ी पत्ता, अब मैं इसमें डालूंगी बारीक कटी हुई प्याज। सो ये प्याज हल्का सा जो है वो सौते हो गया है, थोड़ा ट्रांसल्यूसेंट हो गया है। अब मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट करीब दो से ढाई बड़े चम्मच। ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बस इसे ज्यादा नहीं, सिर्फ वो अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसकी कच्ची महक खत्म हो जाए तब तक आप इसे भूनिएगा, और इसके बाद हम इसमें मसाले डाल देंगे। सो नॉर्मली जब मैं दाल को प्रेशर देती हूँ तो मैं दाल में ही हल्दी डाल देती हूँ, लेकिन इस बार नहीं डाली है, तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले हल्दी डालूंगी। नमक डाला हुआ है ना दाल में भैया? नमक भी नहीं है? ओह अच्छा। सो हल्दी, हाँ जी मेरा फोन देखो टेबल पे चेयर पे, क्या हो गया? हल्दी की कच्ची स्मेल पूरी खत्म हो जाए। और अब मैं इसमें डालूंगी एवरेस्ट का मटन मसाला, मैं कभी कभी चिकन मसाला भी डालती हूँ, इससे दाल में बहुत अच्छा स्वाद आता है। ये नॉनवेज नहीं होता, ये वेज होता है, तो अगर आप वेजिटेरियन है तो भी आप ये यूज कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जरूर अपने किचन में रखिए, बिकॉज इस मसाले से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये देखिए ये मसाला एकदम अच्छे से भून चुका है, अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी।
बहुत अच्छी बनी है बाटी एज यूजुअल राइट। मुझे क्या पता, मैं तो अभी खाई नहीं, आपने खाई, आप बताओ अच्छी बनाई। तुम कुछ बोल रही थी ना कि वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ये नहीं, मुझे अवन नहीं है। मुझे अवन नहीं मिला क्योंकि मैं घर पे जो आदत है मेरी वो मैं अवन में पहले से बेक करती हूँ और फिर फ्राई करती हूँ, तो मुझे लगा था पता नहीं अंदर से कच्ची ना रह जाए। थैंक यू। पहली बार व्लॉग्स की हिस्ट्री में मेरे बोलते हुए कुछ बंद हुआ है, नहीं तो हमेशा शुरू हो जाता है। नहीं बहुत अच्छा, वाकई बहुत अच्छा। अभी चूरमा टेस्ट करने को बस, अभी एक दो बाटी और खाऊंगा।